Ratio's DIY. Welcome to the channel, guys. इस वाले प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होगा एक पानी का बॉटल, और इस वाले बॉटल को हम ऐसे काट लेंगे। काटने के बाद हमें सिलेंडर जैसा कुछ मिलने वाला है। आप डायरेक्टली पीवीसी पाइप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इस बॉटल का जो ये एजेस हैं उनको अच्छे से काट लेंगे और फ्लैट बना लेंगे। इसे काटने के लिए मैं कैंची का यूज़ कर रहा हूँ। एजेस को स्मूथ बनाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे, और इसके बाद मैं इसे कलर कर दूंगा ताकि दिखने में ये बॉटल जैसा ना लगे, और सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें एक कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है, और बॉटल का छोटा वाला एंड का पहले हम डायमीटर ले लेते हैं। और उस डायमीटर के हिसाब से हम एक सर्कल बना लेंगे, और इस सर्कल को अच्छे से काट लेंगे। अगर आपको काटने में प्रॉब्लम हो तो आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं। काटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर हमें जो बॉटल का दूसरा एंड था उसका भी डायमीटर ले लेना है। इधर ये 7 सेंटीमीटर है, तो हमें सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर लेना होगा। और इसके बाद मैं एक 2 mm का LED ले लूँगा, जो कि मुझे 2 रुपये में मिला था, और ये ग्रीन कलर का है। मैंने ब्लू वाला LED भी ख़रीदा है, वो वीडियो के लास्ट पे आपको दिखेगा। फिर हमें LED के दोनों टांगों को ऐसे कर लेना है, और ये जो छोटा वाला पीस था कार्डबोर्ड का उस पर हॉट ग्लू डाल के LED को फंसा लेना है। ध्यान रखें कि LED का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रहे। फिर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट करके साइंस लिख लेने हैं, और उसके बाद सोल्डरिंग आयरन की मदद से LED पे हमें 2 वायर्स सोल्डर कर लेना है। इस वाले पार्ट को आप घर के किसी बड़े की मदद से भी कर सकते हैं। मैं एक ब्लू और दूसरा पर्पल कलर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। रेड और ब्लैक हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें एक होल कर लेना है ताकि हम इधर से वायर्स को पास कर सकें। और वायर्स को पास करने के बाद इधर हमें हॉट ग्लू डाल देना है। फिर हमें इसको बॉटल के जो छोटा वाला एंड था उस तरफ हॉट ग्लू की मदद से चिपका लेना है। और मैं फिर गूगल की मदद से एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो मुझे ये वाला पसंद आया। इसके बाद मैं एक पतला वाला कार्डबोर्ड लूँगा, ये मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास का है। फिर हमें बड़ा वाला जो सर्कल था उसको मेज़र करके इस पर काट लेना है। अभी मैं मोबाइल का ब्राइटनेस फुल करके इसके ऊपर वो कार्डबोर्ड रख दूंगा और डिज़ाइन को ट्रेस कर लूँगा। ये वाला काम आप अंधेरे में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद हमें जो डिज़ाइन है उसको कटर की मदद से काट लेना है। और डिज़ाइन को निकालने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी हमें बॉटल का जो बड़ा वाला एंड था उस पर इसको लगा लेना है, और मैं इस काम के लिए भी हॉट ग्लू यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप फेविक्विक की मदद ले सकते हैं। फिर मैं एक ऐसे करके कार्डबोर्ड का पीस इधर लगा दूँगा, और फिर हमारा लाइट रेडी हो जाएगा। अभी मैं एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। आप
5V का चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारा काम होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे और ये अंधेरे पे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आप ऐसे टेबल पे रख के टेस्ट कर सकते हैं। और ये वाला है ब्लू कलर का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नए वाले वीडियो पे।